हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की बाड़मेर इकाई द्वारा शनिवार को कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति सिवाना के कनिष्ठ तकनीकी सहायक देवेंद्र मालविया को परिवादी से 1,00,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार एसीबी के बाड़मेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके फर्म द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों की मजदूरी एवं बकाया बिलों की राशि के भुगतान के अवज में पंचायत समिति सिवाना के कनिष्ठ तकनीकी सहायक देवेंद्र मालवीय द्वारा पंचायत समिति के अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के कमीशन के तौर पर 1,00,000 रुपए की मोटी रकम को रिश्वत के रूप में मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी के बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम निवास के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करवाया गया। उसके बाद पुलिस निरीक्षक मुकुंदन और उनकी टीम ने शनिवार को रेड की कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति के कनिष्ठ तकनीकी सहायक देवेंद्र मालविया निवासी विजयनगर भगत की कोटी जोधपुर को 1,00,000 की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया। लेबर इसके मार्ग पर लगी थी, इसके रिश्तेदार वगैरह थे, कुछ इसकी मटेरियल का भी पेंडिंग था, उसको लेके वो पहले जो पेमेंट हुआ उसकी कमीशन राशि के रूप में रिश्वत की मांग कर रहे थे। इस तरह का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सत्यापन करवाया। सत्यापन में JTO मालवीय जिसको हमने आज ट्रेप किया, इसने 1,00,000 रुपये की रिश्वत मांग की, जिसमें सरपंच पुत्र जो वहाँ रोजगार सहायक भी लगा हुआ है और एक ग्राम सेवक दोनों का भी हिस्सा होना बताया। आज सत्यापन के क्रम में आज ट्रेप कार्रवाई हुई और आने के बाद इसने 1,00,000 रुपये लेके और अपने यहाँ कमरे में रखे। इतने में इसने इशारा किया, ट्रेप पार्टी मौके पर थी, रंगे हाथ इसको गिरफ्तार किया। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।